सो गाइज वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो प्रेम मंदिर कवर करने के बाद में अभी अपन चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। ये दोनों वीडियो मैंने इसलिए साथ नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इसलिए। सो अभी अपन बांके बिहारी मंदिर चल रहे हैं। प्रेम मंदिर से आपको बाय ऑटो से यहाँ पे 20-30 रुपये में बांके बिहारी मंदिर के थोड़ा थोड़ा पीछे, मान के चलो 100-150 मीटर पीछे आपको छोड़ देगा। उसके बाद में आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। सो को ट्रैक मिलेगा, अभी तो क्या है भीड़ नहीं है। तो बाकी इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, बांके बिहारी मंदिर जो है यहाँ पे प्रेम मंदिर से भी ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस तरीके का रास्ता कवर करने के बाद में आपको मंदिर दिखाई देगा। बाकी जो प्रतिष्ठा है यहाँ की, जो मतलब भावना है ना, वो प्रेम मंदिर से भी ज़्यादा मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पहले मैं आया नहीं हुआ, बाकी मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ है। तो अभी अपन सब मिलके इसको कवर करने वाले हैं, तो देखेंगे कि मंदिर के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। गाइज आप देख सकते हो ऊपर श्री बांके बिहारी मंदिर, हनुमान तिराहा, अटला वगैरह ये भी है आगे की ओर। इस साइड अपने को बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाना है। और भीड़ की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, अलग अलग केसर चंदन लड्डू गोपाल जी, आपको मतलब रखने सामान रखने के लिए वस्तुएं वगैरह कपड़े भी मिल जाएंगे। इस मार्केट के अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, हर चीज़ जो भी आपको लेना हो, आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें वो आप ले सकते हो। जैसे कि ये देखो लड्डू गोपाल के कपड़े, हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। बाकी आप जो यात्री हैं, जाने वाले जो दर्शन करने वाले दर्शनाभिलाषी है, वो आप देख सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पे चमेली की और ये और भी है, और तरीके की जो मालाएं होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखो लड्डू गोपाल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप इस मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हो। सो गाइज आप जब भी इस रोड से गुजरते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इस रोड के ऊपर आपको बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे होंगे, सामने भी है इधर, ऐसे होंगे बहुत सारे होंगे। इस रोड के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा बंदर दिखाई दे रहे होंगे, तो कभी भी कुछ भी आपके हाथ से चुरा सकते हैं। तो आपके हाथ में जो भी चीज़ें हों, मोबाइल वगैरह, पॉकेट वगैरह, पर्स जो भी हो, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए ताकि ये ले नहीं जाए, क्योंकि एक बार अगर इनके हाथ चला गया ना तो वापस नहीं आने वाला है। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपके हाथ में जो भी चीज़ें हों उनको प्रोटेक्शन के रूप से कवर करके रखें, मतलब एन ऑल दैट आप पॉकेट में रखें उनको, ताकि हाथ में से कोई नहीं चुराए। मैंने भी बहुत हैवी तरीके से इसको पकड़ रखा है, मेरे पास आया था भाग के मोबाइल चुराने के लिए, बाकी मैंने इसको चुराने नहीं दिया। और गाइस दूसरी बात यह है, जो मार्केट है ना वो थोड़ी हैवी बोले तो, इनका जो भी आप यहाँ से जो भी सामान परचेज करने वाले हो वो थोड़ा हैवी मिलने वाला है, हैवी प्राइस के अंदर आपको जो भी सामान थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद में शायद आपको सेट हो जाए। बाकी बार्गेनिंग करना बनता है आपके लिए, क्योंकि ऐसे तो आपको यह 100 रुपये की चीज़ भी 300-400 रुपये में बेच देंगे। तो इस मार्केट में अगर आप कुछ भी परचेज करो तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उस चीज़ का जो कि थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी की है तो उसका आपको ज़्यादा ही प्राइस बताया जाएगा। मान के चलो जो चीज़ 100 रुपये की है उसका कम से कम 200-300 रुपये बताया जाएगा, और आप उसका ध्यान रखें थोड़ा। बाकी थोड़ा दूर रह गया मंदिर, ये देखो ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, और यहाँ से भीड़ तो जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गाइज यहाँ की जो भीड़ है ना वो आप इस तरीके की है, देख लो धक्का दे दे के लोग आगे निकल रहे हैं। इस तरीके की भीड़ दिखाई देगी आपको आगे। यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको लाइन बाय लाइन लग के आगे जाना पड़ेगा। आगे पता नहीं क्या चल रहा है, बाकी यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो फाइनली 2 नंबर गेट से हम निकल चुके हैं, और ठाकुर जी बांके बिहारी का मंदिर हमसे 50 मीटर ही दूर है सिर्फ। बहुत देर खड़ा रखने के बाद में उन्होंने एंट्री दी है, और यहाँ पे भी आपको इस तरीके की भीड़ दिखाई देगी। आगे
ऐसे क्यों खड़े हो आप? लगे बिहारी नारे की। के बिहारी जी का मतलब मंदिर है ये, देख लो आप, इस तरीके का दिखता है ये बाहर से। बाकी भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है अंदर। कुछ इस तरीके का बाहर का व्यू है इस मंदिर का। इसका प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हो। यहाँ से निकास वर्जित है, मतलब यहाँ से वापस आना, सॉरी, यह है इसका प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हो। यहाँ से निकास वर्जित है, मतलब वापस आना वर्जित है। बाकी आप यहाँ से सिर्फ इंटर हो सकते हो। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। और उस साइड है ना, उस साइड जहाँ पे मेरी उंगली है वहाँ पे आगे मंदिर है, वो मेन मंदिर है। यहाँ से आपको आगे मंदिर की तरफ जाना है। दोस्तों आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वापिस बाहर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश था। मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा रश नहीं देखा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी लेवल वाला, कि मंदिर के बीचों बीच इस तरीके से लोग दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब एक दूसरे के साथ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इस तरीके का मैंने आज तक कहीं। तो फाइनली गाइज वाक्य बिहारी जी टेम्पल के भी अपने दर्शन हो चुके हैं। मैंने पूरा एकदम पास से दर्शन किए, मैंने पूरा गौर से एक मिनट के लिए उनको देखता रहा, बिल्कुल मन में शांति सी उत्पन्न हुई। बहुत अच्छा लगा यार, कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उनके दर्शन करके। एक अजीब सी शांति बनती है वहाँ पे जाने के बाद में। सो अभी इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। और एक हादसा हुआ मेरे साथ, पता है क्या हुआ, जो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, पता है। ये देखो मेरी कैप उठा के ले गया बंदर यार, मैं चल रहा था, ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से आया और उठा के ले के चला गया। फिर भी चलो कोई बात नहीं, चलता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र करो मोबाइल नहीं लेके गया, मोबाइल में बहुत सारा डाटा था मेरे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। पता नहीं कौन सी होने वाली है, कहीं पे भी जा सकते हैं, मन है कहीं भी भटक सकता है। सो नई लोकेशन पे मिलके आपको नई चला जा नई लोकेशन पे मिलके आपको नई प्रायोरिटी के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आप नए हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप यहाँ पे आए हो या फिर यहाँ पे आना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप कमेंट में एक कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, मैं यहाँ का बजट बता दूंगा। ये 2-3 टेंपल्स हैं जो मेन है वो घूमने के मैं बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए, वृंदावन के अंदर बहुत ही शानदार पैलेस है, बहुत ही मतलब अच्छी पैलेस है। मन को शांति चाहिए तो वृंदावन आओ, प्रेम की नगरी बोलते हैं इसको, इसीलिए प्रेम की नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी जो लोग हैं ना वो प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ पे प्रेम की लीलाएँ, मतलब बहुत गाथाएँ जो है ना बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो लास्ट में फिर से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए जय श्री राम।